समराला च पैंदे पुनिया की एक वीडियो वायरल हो रही है जिस दे विच एक लड़की दे नाल कुटमार की जा रही है ते इल्जाम लग रहे ने सौरा परिवार से। तस्वीरां च देखा जा सकता है कि किवें कुछ लोगों के वलों घड़ीस घड़ीस के लड़की नू घरों कढ़िया जा रहा है। साफ देखा जा सकता है कि किवें लड़की नू पौड़ियां तो खिंच के हेठा लिया गया ते बाद दे विच्चों घर तो बाहर कढ़ के गेट बंद कर दिता गया। यह पूरी घटना पिंड के कुछ लोगों के वलों अपने कैमरे दे विच कैद कर ली गई जिस तो बाद दे वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हो गई। दसिया जा रहा है कि पिंड की पंचायत दे वलों बाद दे विच आ के लड़की नू समराला दे सिविल अस्पताल दे विच दाखल करवाया गया। मैनू गड्डी पिछे परेशान बहुत किया होया इन्होंने, मेरे सहुरे परिवार ने भी गड्डी लैके आ तां तैनूं रखना आ, नहीं नहीं रखना हैगा। ते कल मेरे नाल मैं अपने सहुरे परिवार घर गई ते मेरे सास सहुरे मासी ससां दोनों एक बेटी उन्हां दी दमन उन्होंने मैनू सारिया ने कुटिया बालों तो खिंचिया मेरे मारिया लाशा पाइया पाइया मेरे शरीर ते सारे ते उन्होंने एक मेरी चैन सी पाई गल दे विच ते ओ तार खिंच ली आ मतलब उन्होंने कोल ही आ एक मेरा टोप सला लिया उन्होंने कुटमार दे विच और मेरे को 5000 रुपया सीगा वह मेरे पर्स दे विचों कढ़ के मेरा बैग बाहर गेट बाहर सिटता इन्होंने। बीकर सिंह गुरदीप कौर मासी ससां दा चरणजीत मिंटू सिंह जदी मैं आई हाँ हूँ जज साहब ने मैं तोरिया आ सैशन जज ने तो उदो तो ही मैनू कुटदा दो बार। मेन कारण यही आ भी गड्डी लैके आ सी तां तैनू रखना आ। हाँ बच्चे बारे दो बार मैनू मेडिसिन खवाती इन्होंने सस मेरी बच्चे तो इनकार ही कर दिया भी बच्चा ना ही होवे साडे घर। मैं यही चाहनी हूँ भी इन्हों सख्त तो सख्त सजा मिलनी चाहिए आ। हाँ जी मैनू कुटमार करके मेरे सहुरे परिवार ने पौड़ियाँ तो खिंच के मेरे बालों तो फड़ के मैं थले घड़ीस के लैके आया मेरिया नाल मासी ससा दोने तीन दोने नाल एक बेटी उन्होंने घड़ीस के मैं थले सिटिया इन्होंने ला के गेट बंद करता खिंच के मैं गेट तो बाहर कढ़ के ना गेट बंद कर लिया आ। फिर पंचायत आ गई सरपंच साहब आ गए सारे आए आ उन्होंने मौके पर इन्हों बोले भी आ बहुत ज़्यादा पर इन्होंने कुछ नहीं किया है ये फिर ढीठ दे ढीठ आ बने हुए। हॉस्पिटल मेरे फादर साहब लैके आए आ। मैं कल 5:30 बजे तकरीबन इतने एडमिट हुई हाँ। हाँ जी पुलिस भी मैं बयान दिते आ जी। इस पूरी घटना तो बाद पीड़ित लड़की के पिता के वालों भी यह कहा गया कि लड़की के सहुरा परिवार के वालों दाज की मांग की जाती रही है तो हूँ उन्होंने वालों इंसाफ मंगया जा रहा है। इनू 3 साल हो गए जी ब्याह पुनिया ब्याई हुई है जी तो इनू दाज दूज वर्ग बहुत तंग परेशान कर रहे जी बिकर सिंह पति मिंटू सिंह तो यदि सस आ जी गुरदीप कौर तो चाचा सहुरा जी दो मासिया ने जी ये सब सारे परिवार पूरा तंग करता जी इन्हों एक तक अभी गड्डी नहीं लैके आई तू तो असं वधिया पैलस में ब्याह किया जी चंगा पूरा पैसा लाया ब्याह से पर फिर भी इन्हों की भुख नहीं आती जी पहला जी कुटमार की इन्होंने असं वोमैन सैल च दिता सीगा जी वोमैन सैल इन्होंने परचा कट्टे इन्हों का फिर जवान जज दे गए जी जज ने इन्हों जवानत दिती जवानत तो फिर बाहर आ गए जो जवानत इन्हों मिल गई जी उतों कह के लैके आए हैं भी असं रखांगे कुड़ी नूं फिर 2 महीने बाद ये फिर उही हाल करता जी इन्होंने कुटमार शुरू करती तो हूँ तो तुम देखे है भी की वीडियो से यदा हाल किया नहीं जरा खर्चा पानी है घर कोई साथ नहीं दिता जी खर्चा पानी भी अभी घरों दें सब कुछ जी अभी खर्चा पानी
ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸਮਝੋ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੱਦੀ ਅੱਜ ਨੇ ਭੇਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦਾ ਲਿਆ ਖਾ ਅੰਬਲ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਆ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੀ ਰਹੂਗੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਆਪਦਾ ਉੱਥੇ ਸਹੁਰੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਦਵਾ ਕੇ ਸਹੁਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਿਊਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੈਂਜੀ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਲ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਐਚਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਜੋ ਅਫੈਂਸ ਬਣਦਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਐਚਓ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨੋਲੇਜ ਸਰ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV